टाइम है, मैंने मेथी बेच दी थी, थोड़ी मेथी थी मेरे पास, तो मेथी की वैसे आ गए सुबह सुबह बनी। तो बच्चों के लिए मैंने जो है चाउमीन खाने के लिए भी मेथी बेच दी है। ये भैया को ये आए हैं चाउमीन खाने के लिए। कमलीज में प्यान लगू उड़ी पधन वो कमलीज को को कमलीज वो कमलीज ने हाय तुम मुंह की खाई ओ काड़े गथा और भी गथा को की फलो को रत्ती उठी तो बगरा के नहीं है आप क्यों काशे काजल डर लागने बोल मुझे हाय। सबसे पहले बड़ों को पहला छोटू को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने में कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं दीपा जलाल, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, सुबह तक घर का काम हो रहा था, अभी आ गई मैं खेत में। मुझे जाना है आज प्याज लगाने, प्याज का पल्ट। तो मैं घर से आ रही थी, यहाँ पर मेरा खेत है मटर का, मैं कहा एक बार देख लेती हूँ कैसी हो रही है मटर, अब लोगों को भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हो गई है मटर इतनी काफ़ी बड़ी, लेकिन अभी तक ना ही बारिश हो रही है और ना इसकी सिंचाई हो पाई है। इतना बड़ा खेत है वहाँ तक, बाकी इसमें धनिया भी काफ़ी सुंदर लगने लग गया है ये। और इसी के साथ दिखाते हैं आज का मौसम। मौसम की कहें तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है, बाकी दाने काने में। ये है मटर का खेत, नीचे जाना है मैंने पल्ट। काफ़ी सुंदर मटर हो रही थी, लेकिन ना ही बारिश हो रही है और ना ही पानी का नंबर आया है यहाँ पे। मैं और मौसम आजकल जो है शाम को, मतलब सुबह भी कोहरा ही रह रहा है और शाम को भी कोहरा लग जा रहा है, धुंधला धुंधला सा प्लेन छू वाला कोहरा जो है गांव में आने लग गया है। और यहाँ तक पानी का नंबर आ गया है, इन लोगों ने कर ली है सिंचाई। तो कल परसों तक हमारा भी नंबर आ जाएगा शायद, तभी मटर ठीक भी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहती वो मटर लग रहा है, देखो कद हॉस्पिटल लगो जरा देख लो, हाँ कद हॉस्पिटल काम करो की बद्दा खाला। तो मैं पूछ मार के नहीं तो मेरा खाला YouTube में उसजल बद्दा खाला गबे और कौन औरत है यार जो तुम्हें मार रही है हम आते हैं। अरे ऐसी पलटा दुए धनी सा आओ मेरे जस और गए तो नहीं होतला देर में गबे। तो मैं जिसके पलटा आ रही थी इनुल एयरपोर्ट लगे है भगवान हाय सच्ची बात। तो उन्होंने एक क्यारी लगा दी है यार यहाँ पे, लगाने वाले हमारे बामुड़ जी प्रेमा का तो दे रहे हैं। उजा ये भी नहीं तो पीला हुआ है। हेलो पर आप खाई चुकी है तो बालका 12 दिन हरा 13 दिन हरी मैं उनको लगाई। तो आप फटाफट प्यान लगाती हूँ, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, वैसे ही लेट आई हूँ मैं। तो दोस्तों हमने 2 क्यारी लगा दी है यहाँ पे, पीने लग गए हम गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली। और यही मेरी चाय जैसा पीने लग गए, इनको बहुत जल्दी होती है हमेशा। फिलहाल 2 क्यारी लगा दी हैं, बाकी क्यारियाँ सारे हमने लगानी हैं। इन्होंने कहा पहले चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लेते हैं। अमली नंबर 1 सबसे ज़्यादा अमल प्रेमा को लगा था ना, सब पे ज़्यादा अमल रेगुलर हो चाहिए। चाह पियो चाह पियो गो उसे हमें कोई विचार नहीं चाहिए, चाह पियो ना। हमने कहा चलो पी लेते हैं तो फिलहाल चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं ठीक है। 2, 4, 5 क्यारी हमने लगा दी है प्याज की, तो चाय भी पी ली थी, अब खा रहे हैं हम रोटी। लंच टाइम हो गया हमारा और लता लगा रही वहाँ पे चूल्हा चाय के लिए, एक बार थर्मस में लाई थी तो पी ली है। बाकी पणजी का काम पणजी को सौंप दिया गया है, ये रोटी नहीं खाती है दिन में, ये रोटी नहीं खाती है। हम ठाकुर ठहरे ठाकुर तो ये है सब्जी भाई
जा के दनी जोरे आ करते ना तब मैं को मैं छोड़ा माफी पड़े दूं जा वे चाख है आ पण जी चाख चलो ओ गई मैं जा तो यो कह रही थर जी तो तू ए मेरे गे ये विकास से यार एक चूर कितने निजल ले भैया है ना चूल भल बन रहा यार कत चीज धरा है नहीं सब दगड़ा ना बिस्कुट दीद भी ना रोजगार ये हुई है बात तो फाइनली मेरे जिया जी और दीदी को मिल गया है यहाँ पे अच्छा खासा रोजगार पट 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 क्या लगा रखी है यार देखो पुए गाथा माथा एक तो दोस्तों प्रेमा का तो प्याज लग गया है अब आने लग गई मैं घर क्योंकि मेरी चंदू जो है अकेली है घर तो अब चलते हैं घर ठीक है लोग सब बाबू कामों में व्यस्त है क्या का गोबर फेंकन है क्या का प्यान लगुन है रो भगवान जय काल जतु है सुगुरो तो दोस्तों खेत से आ गई हूँ बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि आजकल शाम को कोहरा लग जा रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर का तो सारा काम कर दिया था मैं क्यों ना आज घर की दाल बनाई जाए गहत की तो मैंने बना दी है देखते हैं कैसी होती है तो ये रही मेरी दाल तो मैंने सोचा गहत की दाल बना लेती हूँ इसी से मैं वीडियो भी इन करती हूँ और आज के मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि आप लोग प्यार तो देते नहीं हो खाली तो मैं वीडियो आज के बाद नहीं बनाऊँगी ना ही आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं तो फ़ायदा क्या है तो मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगी बाय बाय।